का ब्लू एंड ब्राउन इफेक्ट फोटो एडिटिंग जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, काफी अच्छी फोटो एडिटिंग है यार। इस फोटो एडिटिंग को हम लोग टूल विच की हेल्प से किए हैं। अगर आपको सीखना है इस तरह से फोटो एडिटिंग तो वीडियो को पूरा देखना होगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ से टूल विच ओपन हो गया, तो जैसा कि टूल विच आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आप जाके वहीं से सर्च करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रो एडिटिंग पर क्लिक कर देना है। प्रो एडिटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको गैलरी ओपन हो जाएगा। तो गैलरी ओपन होने के बाद आपको जो भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ से हम मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद देख लीजिए दोस्तों हम टूल्स में आ गए हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले पिक का कलर बढ़ाएंगे, ठीक है। अब पिक का कलर बढ़ाने के लिए क्या करना है हमें, तो यहाँ से आपको ट्यूनिंग का ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन को रोटेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्यूनिंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको SLR का ऑप्शन है, ठीक है, ये जो रहा है SLR का ऑप्शन, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इफेक्ट सेटिंग मास्क तीन ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। पहले इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से हुई सेचुरेशन और ब्राइटनेस दिया है, तो यहाँ से हम सेकेंड वाले जो नंबर है मास्टर में क्लिक किए पहले, उसके बाद से सेचुरेशन को रख लेते हैं हम 100। तो 100 करने के बाद देख लीजिए जो बैकग्राउंड का कलर है वो पूरी अच्छी तरह से बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फेस में इफेक्ट आ गया है रेड इफेक्ट, इसे रिमूव कैसे करें, तो यहाँ से आपको सेटिंग के बगल में मार्क्स का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देना है। एंड आपको इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको कुछ इस तरह से इरेज कर देना है। जहाँ पे भी इफेक्ट है उसे आप इस तरह से इरेज कर सकते हो। इरेज करने के बाद दोस्तों आपको राइट कर देना है। अब राइट करने के बाद हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे करें, तो उसके लिए आपको सेम आपको टोनिंग का ऑप्शन मतलब टोनिंग टूल पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको सेलेक्टिव कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि मैं आपको रेड कलर का चिन्ह लगा के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो इसमें क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ से आपको रेड येलो ब्लू वगैरह बहुत सारा कलर दिखाई देगा, तो हम सबसे पहले ग्रीन कलर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सियान जो ऊपर में सियान का ऑप्शन है उसको कुछ इस तरह से -100 कर देना है। एंड यहाँ से आपको ब्लैक्स को रख लेना है +50, बस। उसके बाद दोस्तों आपको येलो कलर पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इसका भी सियान को रख लेना है -100 एंड इसका ब्लैक्स को रख लेना है +100, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम ब्लू कलर पर आएंगे, ठीक है। तो ब्लू कलर पर क्लिक करते हैं, तो इसका सियान को पहले कम करके देखते हैं, 25 पर रख देते हैं एंड ब्लैक से वो कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसे राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद दोस्तों हम फिर से आपको टोनिंग पर क्लिक कर देना है एंड सेलेक्टेड टूल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम सबसे पहले इस बार येलो कलर पर क्लिक करेंगे एंड इसका सियान को कुछ इस तरह से अंडर रख देंगे माइनस की ओर एंड इसका ब्लैक से वो कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। अब देख लीजिए जो फेस में इफेक्ट आ जा रहा है रेड इफेक्ट, उसे रिमूव कैसे करेंगे, मैं आपको जैसे कि बता ही चुका हूँ कि हम मार्क्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कुछ इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद राइट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से हमें फेस को ग्लो करना है, ठीक है। तो फेस को कैसे ग्लो करें, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है एंड यहाँ से आपको फिल्टर के बगल में पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको फेस ट्यून का ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पे, इसमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से जो मैनुअल ब्रश को सेलेक्ट कर देना है, ये जो रहा। उसके बाद यहाँ पे भी आप ग्लो करना चाहते हो उसे कुछ, सॉरी गलती से राइट हो गया था, तो यहाँ से आप जहाँ पे भी ग्लो करना चाहते हो उसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। देख लीजिए फेस ग्लो हो रहा है काफी अच्छी तरीके से। उसके बाद राइट कर दें। अब दोस्तों यहाँ से हम देख लीजिए जो टी शर्ट का कलर ब्राउन कलर करना है, ठीक है। तो उसे कैसे करें, तो उसके लिए आपको फिर से आपको टोनिंग का टूल्स मिल जाएगा एंड यहाँ से आपको सेम आपको SLR ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ से हम सेटिंग्स पर आ जाएंगे, फिर यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो आपको फर्स्ट हुई है उसी को रख देते हैं हम, कितना रखे है? फिफ्टी
दिन तक रख देते हैं, ठीक है, उसके बाद इससे ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, मास्क पर फिर क्लिक करते हैं, जो इफेक्ट है उसे रिमूव करने के लिए, फिर इसमें तो कुछ इस तरह से रिमूव कर देते हैं। एंड दोस्तों देख लीजिए जो टी शर्ट का कलर है वो भी काफी अच्छी तरह से दिख रही है। अब इसे राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देना है, उसके बाद राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ऊपर में ये जो सेव का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके आपको इमेज को सेव कर देना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।